जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज से हमारा मेडविल हिस्ट्री पार्ट स्टार्ट हो रहा है। देखिए, अभी तक हमने जो राजपूत डायनेस्टी पढ़ी थी वो प्री मेडविल हिस्ट्री थी। मेडविल हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो होती है अरबों के आक्रमण से, अरब इन्वेजन से। और सबसे पहला जो अरब इन्वेजन हुआ था सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मतलब जो कामयाब हुआ था आक्रमण, वो हुआ था 712 ईडी में, जब सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो अरबों का इन्वेजन की शुरुआत भारत में जो हुई वो मोहम्मद बिन कासिम से हुई, जब पहली बार अरबों ने एक सक्सेसफुल आक्रमण किया। पहले भी आक्रमण किए थे लेकिन पहले वो सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जो 712 एडी में आक्रमण किया सिंध में, और उस टाइम पर सिंध के राजा थे दाहिर। तो वहां से जो अरबों का इन्वेजन शुरू हुआ, वहां से धीरे धीरे फिर महमूद गजनवी ने आक्रमण करना शुरू किया। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान वाले। और मोहम्मद गौरी के बाद जो हमारे देश में एक तरीके से कहा जाए, भारत में इस्लामों का जो साम्राज्य है उसकी शुरुआत होती है मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद से। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसने यहां पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की। तो यहां से अरब इन्वेजन से बेसिकली हमारा मेडविल हिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट होता है। अब अरब इन्वेजन को पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो अरब जो इस्लाम वाले जो आए थे इनका उदय कैसे हुआ। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा राइज ऑफ इस्लाम। इस्लाम का उदय किस तरीके से हुआ और किस तरीके से फिर भारत पर आक्रमण करने के लिए जो अरब थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, और किस तरीके से भारत धीरे धीरे फिर इस्लामिक डायनेस्टी का गुलाम बनता गया। तो उसकी जो शुरुआत होगी अरब इन्वेजन की, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो अरब हैं, ठीक है, ये जो मुस्लिम आक्रमणकर्ता हैं जिन्होंने आक्रमण किया था, इनका उदय कहां से हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले राइज ऑफ इस्लाम, क्लियर है। तो यहां से अब हमारी मेडविल हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक। सो लेट स्टार्ट विद दिस लेक्चर, राइज ऑफ इस्लाम। तो अगर हम इस्लाम की बात करें, ठीक, तो इसकी शुरुआत बेसिकली आज का जो सऊदी अरेबिया वाला रीजन है, अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया, उसमें यहां पर आपको एक जगह दिख रही होगी मक्का। इस्लाम का उदय यहीं से होता है। सऊदी अरेबिया में एक जगह थी मक्का, और एक तरीके से इस्लाम का जो उदय होता है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। देखिए, उस टाइम पर अगर हम बात करें आज के इस्लाम की, ठीक, आज का जो इस्लाम है, ठीक, इनका जो है वो मोनोथिज्म में मानने वाले हैं। मोनोथिज्म का मतलब होता है जो सिर्फ एक देवता को मानते हैं। आज अगर हम इस्लाम की बात करें तो ये अल्लाह को मानते हैं, मतलब ये सिर्फ एक देवता को मानते हैं। और जो एक देवता को जो धर्म मानते हैं, रिलीजियंस जो एक देवता को मानते हैं, उनको बोला जाता है मोनोथिज्म, ठीक। जैसे अगर हम बात करें ईसाइयों की, क्रिश्चियंस की बात करें, तो वो जीजस क्राइस्ट को मानते हैं, ठीक। वो किसको मानते हैं? जीजस क्राइस्ट को मानते हैं। तो उनके यहां भी मोनोथिज्म है। इस्लाम की बात करें, आज का इस्लाम, ठीक, वो क्या है? मोनोथिज्म है, ठीक। ये सिर्फ किसको मानते हैं? अल्लाह को मानते हैं।
जबकि अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में पॉलीथिज्म है, यहां पर एक देवी देवता नहीं है। हिंदुइज्म की अगर हम बात करें, हिंदू कई देवी देवताओं को मानते हैं। यहां विष्णु भगवान के भी आपको अनुयायी मिल जाएंगे, शिव जी के भी अनुयायी मिल जाएंगे, रामचंद्र जी के भी मिल जाएंगे, बजरंग बली जी के भी मिल जाएंगे। मतलब यहां पर बहुदेवतावाद है, पॉलीथिज्म। ठीक, तो उस टाइम पर अगर हम बात करें तो इस्लाम आज का जो है ये मोनोथिज्म पे विश्वास रखता है, मतलब ये सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। ठीक, लेकिन जब इनका ये जो थिंकिंग आई है, अगर हम बात करें मोनोथिज्म की, इस्लाम की अगर हम बात करें, तो पहले इस्लाम मोनोथिज्म नहीं था। मतलब पहले जो ये था, ये मोनोथिज्म पर विश्वास नहीं रखते थे। मतलब उस टाइम पर जो मक्का मदीना में जो लोग रहा करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे यकीन नहीं रखते थे, वो भी बहुदेवतावादी थे। मतलब वो भी कई सारे देवी देवताओं पे यकीन रखते थे। देखिए, उस टाइम पर अगर हम बात करें तो इस रीजन में, अगर हम पूरे इसकी बात करें, ठीक, तो इस रीजन में, ठीक, इस रीजन की अगर हम बात करें तो यहां पर एक कबीला राज किए करते थे जिनको बोला जाता था कुरेश कबीला। यहां पर एक कबीला राज हुआ करता था, कुरेश कबीला। ठीक, ये क्या हुआ करते थे, ये पॉलीथिज्म को मानते थे। मतलब इनके कई सारे देवी देवता थे शुरुआत में अगर हम बात करें तो। ठीक, तो बेसिकली ये लोग पॉलीथिज्म पे विश्वास रखते थे। और यहां पर कई सारे ऐसे, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूं कुरेश कबीला, लेकिन ऐसे कई कई छोटे छोटे कबीले थे यहां पर इस रीजन में। अगर हम बात करें तो इस रीजन में बहुत सारे छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, और हर कबीले का अपना एक देवता हुआ करता था। ठीक, मतलब यहां पर जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, और हर कबीले का एक अपना एक देवता हुआ करता था। ठीक, और ये सारे जितने भी कबीले थे, इनका यहां पर एक सेंटर हुआ करता था जिसको बोलते हैं काबा। क्या बोला करते थे, काबा। ठीक, ये इनका एक सेंटर हुआ करता था जहां पर ये सभी कबीले, जितने भी कबीले यहां पर थे, ये सारे कबीले साल में एक बार इसी मक्का में, ये काबा था जहां, कौन से रीजन में, मक्का में। यहां पर जो काबा था, यहां पर इनकी देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी, सभी कबीलों के जितने भी कबीले थे उनके देवी देवताओं की मूर्तियां यहां पर काबा में रखी गई थी। और ये जितने भी कबीले वाले थे, साल में एक बार ये लोग यहां परिक्रमा करने आया करते थे। ठीक, काबा, ठीक है, जिसको आज की डेट में हम हज कहते हैं। हज क्या होता है, मक्का जाते हैं और वहां पर परिक्रमा की जाती है। ठीक, लेकिन अब जो है वहां पर सिर्फ अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद की परिक्रमा की जाती है। ठीक, लेकिन उस टाइम पर अगर हम बात करें तो उस टाइम पर छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, और छोटे छोटे कबीलों के अलग अलग देवी देवता हुआ करते थे, और उन सारे देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ रखी हुई थी, काबा में। मूर्ति कहाँ रखी थी, काबा में। ठीक, अब यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि आज का जो इस्लाम है, ठीक है, आज के जो इस्लाम धर्म की बात करें तो आज का जो इस्लाम धर्म है ये मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखता। आज का जो इस्लाम है वो मूर्ति पूजन, आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं रखता। ठीक, मैंने आपको बताया था ये मोनोथिज्म, मतलब एक ही देवता को मानते हैं, इसके अलावा ये लोग मूर्ति पूजन पे विश्वास नहीं रखते। ठीक, जो आज का इस्लाम है। लेकिन ये तब की बात है जब उस टाइम पर, जब यहां पर छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और ये आइडल वर्शिप को मानते थे, क्योंकि इनकी देवी देवताओं की मूर्तियां यहां पर काबा में रखी हुई थी। यहां पर क्या रखी हुई थी, काबा में रखी हुई थी। क्लियर, और ये साल में एक बार यहां पर जो है आया करते थे दर्शन करने के लिए। ठीक, तो पहले जो था इस रीजन में अगर हम बात करें तो वहां पर पॉलीथिज्म था, मतलब बहुदेवतावादी लोग थे, इसके अलावा मूर्ति पूजन भी हुआ करता था। ठीक, अब यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि मक्का रीजन में एक कबीला हुआ करता था
जिसको बोलते थे कुरेश कबीला। कौन सा कबीला बोलते थे? कुरेश कबीला। ठीक, इसी कुरेश कबीले में, ठीक है, अगर हम बात करें, ये वहां की रूलिंग फैमिली हुआ करती थी। मतलब ये वो फैमिली हुआ करती थी जिसका इस पर्टिकुलर रीजन, मतलब ये मक्का वक्का के आसपास वाला जो रीजन था, इस पर राज करने वाली कौन सी फैमिली थी? कुरेश फैमिली। ठीक, कुरेश कबीला। ठीक, और इन्हीं कुरेश कबीला के ही जो हुआ करते थे, जिनको इस्लाम धर्म का फाउंडर माना जाता है, हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद जिनको इस्लाम धर्म का फाउंडर माना जाता है, वो इसी कबीले के थे, कुरेश कबीले के। क्लियर? तो यहां पर मक्का रीजन में एक कुरेश कबीला था, ठीक, उनके यहां पर जन्म हुआ हजरत मोहम्मद का। ठीक, तो हजरत मोहम्मद का जन्म बेसिकली जब हुआ, ठीक, यहां पर मैं इसके आगे लिख रहा हूं, ठीक, तो जो कुरेश कबीला था, इसी कबीले में एक, इन्हीं के एक हुआ करते थे अब्दुल्ला। इन्हीं के क्या हुआ करते थे? एक अब्दुल्ला हुआ करते थे, कुरेश कबीले के ही। और इनकी शादी हुई थी, ठीक है, किससे हुई थी? आमना से। ठीक, तो अब्दुल्ला जो थे, ठीक है, उनकी शादी हुई थी आमना से, और इन्हीं दोनों से जो पुत्र पैदा हुए थे, वो हुए थे हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद जो थे वो अब्दुल्ला और आमना के बेटे थे, ठीक, हजरत मोहम्मद, और इनका जन्म हुआ था 570 एडी में, 570 AD में। ठीक, तो हजरत मोहम्मद जो इस्लाम धर्म के फाउंडर माने जाते हैं, उनको जन्म जो हुआ था वो 570 एडी में हुआ था मक्का में। ठीक, मक्का की ही रूलिंग फैमिली हुआ करती थी कुरेश कबीला, और उसी फैमिली में एक व्यक्ति थे अब्दुल्ला, जिनकी शादी हुई आमना से, और उनसे जो संतान हुई थी वो हुए थे हजरत मोहम्मद, और इनका जन्म हुआ था 570 एडी में। ठीक, और इनको जो, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? मक्का में। ठीक, तो इस तरीके से इस्लाम धर्म के जो फाउंडर हैं हजरत मोहम्मद, उनका जन्म हुआ। ठीक, अब जब हजरत मोहम्मद जब बड़े हुए, ठीक, तो इनको ये पॉलिथिज्म और आइडल वर्शिप जो है ये रास नहीं आई। इनको लगा कि इतने सारे देवी देवताओं को क्यों मानना है। इन्होंने जो फिलॉसफी दी उसमें ये दिया कि इतने सारे देवी देवताओं को क्यों मानना है। ठीक, इनका जो मानना था वो ये था कि सिर्फ एक ही को अपना देवता माना जाए, और वो है अल्लाह। ये सोच थी हजरत मोहम्मद की। हजरत मोहम्मद साहब ये मानते थे कि एक ही देवी देवताओं को मानना चाहिए, और वो है अल्लाह। ठीक, इसके अलावा ये जो आइडल वर्शिप है उसको भी ये नहीं मानते थे। ठीक, मतलब ये जो मूर्ति पूजन है, जो मूर्तियां हैं, ठीक है, ये मूर्ति पूजन पे भी विश्वास नहीं रखते थे। ये मानते थे कि हमें सिर्फ एक ही को पूजना चाहिए, और वो है अल्लाह। और अल्लाह को भी हमें मूर्ति में नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि ये मानते थे कि अल्लाह कण कण में है। तो उनको मूर्ति पूज करने की जरूरत, मूर्ति पूजन करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो हजरत मोहम्मद की ये सोच थी कि हमें एक ही देवी एक ही देवता को मानना चाहिए, और वो है अल्लाह। ठीक, और उनका जो है ये मूर्ति पूजन पे भी विश्वास नहीं रखते थे। तो आइडियल वर्शिप पे विश्वास ये नहीं रखते थे। ठीक, और इसके अलावा ये मानते थे कि एक ही देवता को हमें मानना चाहिए, और वो है अल्लाह। ठीक, इसीलिए आज का इस्लाम अगर आप देखें तो आज के इस्लाम में, या हम कहें जिस तरीके से इस्लाम है, आज का इस्लाम मोनोथिज्म पे बिलीव करता है, अल्लाह पे यकीन रखता है, और मूर्ति पूजन पे विश्वास नहीं रखता, क्योंकि ये सब हजरत मोहम्मद को अपना पैगंबर मानते हैं। इसीलिए वो हजरत मोहम्मद की कही हुई बात पे विश्वास करते हैं, और उन्हीं की बातों पर चलते हैं, अमल करते हैं।
इनके एक ही देवता है अल्लाह, और ये मूर्ति पूजन पे विश्वास नहीं रखते। तो हजरत मोहम्मद जो रहे हैं, ठीक, इनकी सोच ये थी कि सिर्फ अल्लाह ही एक है और मूर्ति पूजन जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हजरत मोहम्मद साहब की अगर हम बात करें तो लगभग 610 एडी में, अगर हम बात करें 610 एडी में, ठीक, इनके मक्का में ही एक गुफा हुआ करती थी, हीरा गुफा, या जिसको हीरा केव कहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि हजरत मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो इसी हीरा गुफा में हुआ था। मतलब इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो इसी हीरा गुफा में हुआ। ठीक, मतलब 610 एडी में हजरत मोहम्मद साहब जब यहां पर आए हीरा के गुफा में, ठीक, और इन्होंने ध्यान किया, ठीक, तो ऐसा इस्लाम में बताया जाता है, ठीक है, इस्लाम माइथोलॉजी में ये चीज बताई जाती है कि उस टाइम अल्लाह ने, अगर हम बात करें, अल्लाह ने अपना एक एंजल इनके पास भेजा था, अपना एक एंजल इनके पास भेजा था जो थे जिब्रिल। कौन थे? जिब्रिल। अपना एक एंजल, ठीक है, ठीक, अपना एक एंजल अल्लाह ने भेजा था कहां पर? हजरत मोहम्मद जी के पास, ठीक, साहेब के पास। और ये जो अल्लाह थे, इन्होंने अपना एक एंजल भेजा जिब्रिल, ठीक, जिन्होंने जो भी बातें हजरत मोहम्मद साहब को बताई, हजरत मोहम्मद साहब ने वही चीज ट्रांसफर करी और इनको जो ज्ञान हुआ उसी से इस्लामिक जो रिलीजियस बुक है, ठीक, जिसे कहा जाता है कुरान, तो कुरान में जो बातें कही गई हैं वो सारी वही बातें हैं जो हजरत मोहम्मद साहब ने ज्ञान प्राप्त होने के बाद बताई। तो कुरान में जो बातें लिखी हैं वो हजरत मोहम्मद साहब ने जो ज्ञान प्राप्त किया कहां पर? हीरा गुफा में। ये आपको याद रखना है, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 610 एडी में हीरा गुफा में, ठीक, उस टाइम पर। इस्लाम माइथोलॉजी में ये बताया जाता है कि अल्लाह ने अपना एक एंजल भेजा जिब्रिल, ठीक, जिन्होंने उनको जितना भी ज्ञान था वो सारा दिया और उन्होंने फिर हजरत मोहम्मद ने उस ज्ञान को लोगों पर ट्रांसफर किया, जिसको किताबी, अगर हम बात करें रिलीजियस बुक में जो बातें लिखी गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? कुरान बोलते हैं, ठीक। ये इस्लाम धर्म की रिलीजियस बुक है, ठीक, कुरान को वो लोग मानते हैं, क्लियर। जैसे क्रिश्चियन की बात करें तो वो बाइबल को मानते हैं, हिंदुइज्म में बात करें तो गीता को मानते हैं, ठीक, वैसे ही जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कुरान को मानते हैं, ठीक। तो कुरान में जो बातें लिखी गई हैं वो किसके द्वारा? हजरत मोहम्मद ने जो बातें बताई, ठीक है, ठीक, और उनको कौन, किनका मैसेज मिला? अल्लाह का मैसेज मिला। मैसेज देने वाले कौन थे? जिब्रिल थे, ठीक। इसीलिए चूंकि इनको, हजरत मोहम्मद को, चूंकि इन्होंने वही बातें बताई, ठीक, जो अल्लाह के एंजल ने इनको बताई, इसीलिए इनको अल्लाह का एक तरीके से मैसेंजर कहा जाता है, इसीलिए हजरत मोहम्मद को प्रॉफिट कहा जाता है, जिसको हिंदी में पैगंबर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? पैगंबर। इसीलिए हजरत मोहम्मद साहब को पैगंबर बोला गया, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की बताई हुई बातों को लोगों तक पहुंचाया। मतलब ये एक तरीके से अल्लाह की बातों को बताने वाले मैसेंजर थे, इसीलिए इनको प्रॉफिट कहा गया, या हम जिसको बात कहें तो इनको जो बोला गया वो प्रॉफिट बोला गया, क्लियर, पैगंबर, ठीक है। पैगंबर मतलब अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले, तो इन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, इसीलिए इनको प्रॉफिट हजरत मोहम्मद कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्रॉफिट हजरत मोहम्मद। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद जो थे, इन्होंने ही इस्लाम धर्म का स्थापना करी। इस्लाम धर्म में इन्होंने जो फिलॉसफी दी वो ये कि एक ही देवता को मानना चाहिए, वो है अल्लाह, ठीक, और मूर्ति पूजन पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो आज की डेट में भी अगर आप देखें तो
इस्लाम में अल्लाह को माना जाता है और मूर्ति पूजन जो है उसको नहीं माना जाता। ठीक, तो ये था हजरत मोहम्मद के बारे में। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो चूंकि हजरत मोहम्मद साहब की जो फिलॉसफी थी, ठीक, वो वहां पर जो लोग ऑलरेडी रह रहे थे, जिनकी पहले जो कबीले थे उनकी अपनी मान्यताएं थी, उनके विपरीत था। ठीक, हजरत मोहम्मद साहब जो बात कह रहे थे वो जो वहां पर ऑलरेडी लोग रह रहे थे या वो जिस चीज को मानते थे, देखिए वहां पर जो लोग ऑलरेडी रह रहे थे वो किस चीज को मानते थे, पॉलीथिज्म को, ठीक, बहुदेवतावादी को मानते थे। इसके अलावा वो लोग मूर्ति पूजन को भी मानते थे। वो किसको मानते थे, मूर्ति पूजन को भी मानते थे। ठीक, तो जाहिर सी बात है जब आप समाज के अंदर कोई नई चीज जो वो लोग पहले से फॉलो नहीं कर रहे थे, जब आप उसको समाज में लेकर के आते हैं तो जाहिर सी बात है समाज में आपका विरोध होगा। क्योंकि आप अगर कोई नई चीज, देखिए पहले के समय से जो प्रथाएं चली आ रही हैं, अगर आप उसके विपरीत जाकर के कोई बात कहेंगे, ठीक, तो जाहिर सी बात है वहां के लोगों को वो चीज पसंद नहीं आएगी। तो हजरत मोहम्मद साहब जो बातें कह रहे थे कि भाई एक ही देवता की पूजा होनी चाहिए, वो है अल्लाह, ये बात उन लोगों को गवारा नहीं हो रही थी। उन लोगों को जो वहां पर ऑलरेडी कबीले वाले जो रह रहे थे उनको ये गवारा नहीं था। ठीक, क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो अलग थे। ठीक, तो इसके बाद अराउंड 622 एडी में हजरत मोहम्मद साहब को यहां पर विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि वहां पर जो लोग उस समय उस प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे थे उन्होंने क्या किया, विरोध किया इस बात का, जिसके कारण 622 एडी में हजरत मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ना पड़ा। मतलब वो 622 एडी में उन्होंने मक्का छोड़ा और मक्का से उन्होंने कहां की यात्रा करी, मदीना की। ठीक, मक्का से वो किधर चले गए, मदीना चले गए। ठीक, तो 622 एडी में मोहम्मद साहब जो थे वो मक्का से किधर गए, मदीना गए। ठीक, और ये जो यात्रा इन्होंने की, ठीक है, इनके समय में यात्रा को जो है, जो इनकी जो ट्रेवल हुआ करता था, इसको बोलते थे हिजरत। इसको क्या बोला जाता था, हिजरत। जो ये यात्रा किया करते थे इसको क्या बोला जाता था, हिजरत। और जब 622 एडी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे, उसी टाइम पर यहां पर एक नया कैलेंडर आया। ठीक है, एक नए कैलेंडर की शुरुआत हुई, हिजरी संवत, ये आपको याद रखना है। इस टाइम पर एक नए कैलेंडर की, ठीक है, एक नए कैलेंडर की शुरुआत हुई, हिजरी संवत। ये कब हुई, 622 एडी में। ठीक, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जा रहे थे, ठीक, उनकी यात्रा को क्या बोला गया, हिजरत। ठीक, और इसी समय पर जो कैलेंडर बना उनको बोला गया हिजरी संवत। ठीक, तो हिजरी संवत उनका कैलेंडर था। ठीक, और ये कब की बात है, ये है 622 एडी की। ठीक, अब इसके बाद जब ये मदीना चले गए, ठीक, उसके बाद भी जो हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, मतलब जो हजरत मोहम्मद साहब को मानते थे, ठीक, वो भी इनके साथ चले गए, लेकिन अभी भी इनका जो धार्मिक स्थल था काबा, वो कहां था, मक्का में था। ठीक, कहां था वो, मक्का में। ठीक, तो अभी भी इनका जो धार्मिक स्थल था वो कहां था, काबा, मक्का में। तो इनके जितने भी अनुयायी थे, ठीक है, जो इनको मानने वाले थे, वो क्या करते थे, मक्का जाया करते थे, क्योंकि भाई वो उनका धार्मिक स्थल था और साल में एक बार जो है वहां जाना चाहिए था। तो जब इनके अनुयायी, हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायी वहां पहुंचा करते थे, तो वहां के जो लोग थे इनका विरोध करते थे, इनके अनुयायियों का क्या करते थे, वो विरोध करते थे। ठीक, तो धीरे धीरे ये विरोध इतना बढ़ता गया कि धीरे धीरे फिर हजरत मोहम्मद साहब को ये चीज समझ में आने लगी कि साहब प्रेम से तो कुछ नहीं होगा, प्रेम से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके अनुयायी जब भी जाया करते थे मक्का तो वहां के लोग उनको हज नहीं करने दिया करते थे, उनको वहां से भगा दिया करते थे।
तो इस बात का असर हजरत मोहम्मद साहब पर बहुत हुआ, और वहां से हजरत मोहम्मद साहब ने ये तय किया कि अब मुझे हर एक अनुयायी को एक सैनिक के रूप में तैयार करना है। तब उन्होंने अपने जितने भी डिसाइपल थे, जो उनको मानने वाले लोग थे, उनको क्या बनाया गया, एक सोल्जर के रूप में, या हम जिसे कहें सैनिक, सैनिक बनाने का उन्होंने निश्चय किया कि ये बातें ऐसे तो नहीं सॉल्व होंगी। ठीक, तो उन्होंने अपने जितने भी अनुयायी थे जो उनको मानने वाले थे, उनको क्या करना लगा, एक सैनिक के रूप में तैयार करने लगे। ठीक, और जब हजरत मोहम्मद साहब की आर्मी बन गई, जब उनकी सेना पूरी जो तैयार हो गई, ठीक, तब उसके बाद 630 एडी में, अगर हम बात करें 630 एडी में, उस टाइम पर अगर हम बात करें, ठीक, तो 630 एडी में उस टाइम पर हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का पर आक्रमण कर दिया। मतलब इन्होंने कब अटैक किया मक्का पर, 630 एडी में। ठीक, और उस टाइम पर जो मक्का का उस टाइम पर कबीले का जो राजा हुआ करता था, वो हुआ करता था अबू जहल। अबू जहल, तो उस टाइम पर जो मक्का का राजा हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, अबू जहल। ठीक, तो मोहम्मद साहब ने आक्रमण किया 630 एडी में किनके ऊपर, अबू जहल के ऊपर, और इसके बाद से अबू जहल जो हो गए ये इस्लाम के लिए विलन बन गए, इस्लाम के लिए विलन बन गए अबू जहल। मोहम्मद साहब ने 630 एडी में मक्का पर आक्रमण किया, इन्होंने वो युद्ध जीता, अबू जहल को हराया इन्होंने। ठीक, और अबू जहल को हराने के बाद, ठीक, इस्लाम के लिए अबू जहल जो बन गए, ये सबसे बड़े विलेन बन गए। आज भी अगर आप देखें तो जब भी कभी हज पे यात्रा जाई जाती है तो वहां पर मक्का में इनकी जो मजार है अबू जहल की, इस पर जो इस्लाम मानने वाले जो लोग हैं, जो यहां से यात्रा के लिए जाते हैं, वो इनके जो कब्र बनी है उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, क्योंकि ये उनको विलन मानते हैं। ये उनको क्या मानते हैं, विलन मानते हैं, क्योंकि इन्होंने उनके जो पैगंबर रहे हजरत मोहम्मद, उनके साथ युद्ध किया था। ठीक, तो अबू जहल की कब्र पे आज भी पत्थर मारे जाते हैं। ठीक, तो पत्थर जो मारे जाते हैं वो अबू जहल की कब्र पे मारे जाते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में उनको विलन माना जाता है। ठीक, तो जब मोहम्मद साहब ने आक्रमण किया मक्का पे, ठीक, तो यहां पर मोहम्मद साहब विजयी हुए। ठीक, और मक्का पर किसका अधिकार हो गया, अब हजरत मोहम्मद साहब का। ठीक, तो अबू जहल जो है उनको हरा दिया, और उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब ने किस पर वो कर लिया, मक्का पे। ठीक, अब हजरत मोहम्मद साहब ने जब मक्का पर कब्जा किया, ठीक, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी जो फिलॉसफी थी, ठीक, उसको यहां लागू करवाया। ठीक, तो कायदे से देखा जाए तो एक्चुअल में इस्लाम धर्म का, जो हजरत मोहम्मद साहब के प्रिंसिपल्स पर चलने वाला इस्लाम है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका उदय एक्चुअल में 630 एडी के बाद हुआ, जब मक्का पर उनका कब्जा हुआ, और वहां से फिर इन्होंने काबा में भेजा। और चूंकि उस टाइम पर आप याद करिए काबा में मूर्ति पूजन चलते थे और बहुत सारे बहु देवती देवता थे, तो सबसे पहले हजरत मोहम्मद साहब ने काबा में वो सारी मूर्तियां हटवाई, सारी मूर्तियों को तोड़ा। अब जो काबा बन गया वो सिर्फ अल्लाह का घर बन गया। उसके बाद से जो हज यात्रा आज जो होती है मक्का में, वो अब किसका घर बन गया, सिर्फ अल्लाह का। ठीक, मतलब अब वहां पर क्या माना जाने लगा कि सिर्फ एक ही देवता को माना जाएगा, और वो है अल्लाह। ठीक, और सारी मूर्तियों को तोड़ दिया गया, तो अब उसके बाद से मूर्ति पूजन भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो जैसे ही पॉलिथिज्म खत्म हुआ, आइडल वर्शिप खत्म हुई, वैसे ही इस्लाम का उदय हुआ। आज का जो इस्लाम है वो यही है कि अल्लाह को मानने वाले और मूर्ति पूजन को नहीं मानने वाले, ये मूर्ति पूजन नहीं करते। समझ में आया आपको? तो किस तरीके से हजरत मोहम्मद साहब
ने जो है मक्का पर अधिकार करके और फिर काबा में उसको अल्लाह का घर बनाया, ठीक। और अब वहां पर सिर्फ एक ही इबादत होती है और वो है अल्लाह की इबादत। आज जो भी हज में होता है मक्का में वो अल्लाह की इबादत होती है, ठीक। और वहां पर कोई मूर्ति अब नहीं है क्योंकि मूर्ति पूजन के ये खिलाफ थे। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक, तो ये सारी कहानी आपको समझ में आई। अब इसके बाद 632 AD में मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है। 632 AD में किसकी डेथ हो जाती है? हजरत मोहम्मद साहब, जो इस्लाम धर्म के फाउंडर थे। इनकी डेथ कब होती है? 632 AD में। और इनकी डेथ कहाँ होती है ये आपको याद रखना है, इनकी डेथ होती है मदीना में, ठीक। देखिए इनका जन्म हुआ था मक्का में, ठीक, लेकिन इनकी जो डेथ हुई थी वो मदीना में हुई थी, क्योंकि मदीना ही जो था वो इनका पॉलिटिकल राजधानी थी, ठीक। मदीना जो थी इनकी राजनीतिक राजधानी थी, ठीक। तो मदीना में ही इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। यहां तक आपको क्लियर हुआ? ठीक, तो यहीं से इस्लाम धर्म का उदय हुआ, ठीक। और जो मुसलमान है, ठीक है, जो मुसलमान शब्द है, ठीक है, वो यहीं पर आया। मुसलमान शब्द का मतलब ही यही है, जो अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद साहब पे विश्वास रखते हैं उन्हीं को मुसलमान कहा जाता है। मुसलमानों का एक ही वो है कि जो अल्लाह को मानते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब पे विश्वास रखे वही मुसलमान है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हजरत मोहम्मद साहब के कुछ और नाम भी रहे हैं, ठीक है। इनके जैसा एक नाम इनका रहा है रसूल, ठीक। इसके अलावा नबी भी इनका नाम रहा है। ये सब इनके नाम रहे हैं, ठीक। रसूल हो गए, नबी हो गए, ये किसके नाम थे? हजरत मोहम्मद साहब के, ठीक। तो आपको पूरा हजरत मोहम्मद साहब समझ में आया, ठीक, सारी चीजें समझ में आई। तो इस्लाम का उदय, ये जो फाउंडर रहे हैं हजरत मोहम्मद साहब, इनकी पूरी हिस्ट्री समझ में आई, ठीक। तो अगर हम यहां पर बात करें तो जो फाउंडर रहे हैं वो रहे हैं हजरत मोहम्मद। इसके अलावा बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में 570 AD में। इसके बाद बात करें तो इनके जो पिता थे वो थे अब्दुल्ला, और इनकी जो माता थी वो थी आमना, अमीना लिखा है, इनका नाम था आमना, ठीक। तो इनसे, ठीक, और इनकी दो वाइफ्स थी, ठीक है, इनकी दो पत्नियां थी, एक थी खदीजा और दूसरी थी आयशा, ठीक। तो इनकी दो पत्नियां थी हजरत मोहम्मद साहब की, एक थी खदीजा और दूसरी थी आयशा, और खदीजा से ही इनकी एक बेटी थी, ठीक। खदीजा जो थी इन्हीं से इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा, ठीक। तो आपको हजरत मोहम्मद साहब के बारे में ये भी याद रखना है, इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था फातिमा, ठीक। और ये किनसे थी इनकी बेटी? खदीजा से, ठीक। तो खदीजा से इनकी एक बेटी थी फातिमा, ठीक, और फातिमा की ही शादी, ठीक, अगर हम बात करें तो इनकी ही शादी इन्हीं के चचेरे भाई से हुई थी जिनका नाम था अली, ठीक। ये अली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम आगे जब पढ़ेंगे शिया और सुन्नी, इनका विभाजन क्यों हुआ, तो अली ही है, ठीक। तो अली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अली बेसिकली कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब के चचेरे भाई के साथ साथ उनके दामाद भी थे, ठीक। क्योंकि इनकी बेटी जो थी फातिमा, उनके जो पति थे वो कौन थे? अली, ठीक। अली जो हुआ करते थे वो इनके पति थे, हजरत मोहम्मद साहब के दामाद, ठीक। तो अगर हम बात करें तो इनकी जो बेटी थी उनका नाम था फातिमा, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके जो दामाद थे वो थे अली, ठीक। अली कौन थे? इनके दामाद थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके एक बहुत ही प्रिय इनके शिष्य हुआ करते थे अबू बकर, मतलब ये इनके बड़े प्रिय शिष्य हुआ करते थे, मतलब जिस पर सबसे ज्यादा यकीन हजरत मोहम्मद साहब करते थे वो करते थे अबू बकर, ठीक। अबू बकर कौन थे? इनके सबसे
विश्वसनीय अनुयायी एक तरीके से कहा जाए, ठीक। और ये अबू बकर वही हैं जो इनकी दूसरी पत्नी है आयशा, ठीक। ये जो इनकी दूसरी पत्नी है आयशा, इनके पिता रहे हैं अबू बकर, मतलब अबू बकर के दामाद रहे हैं हजरत मोहम्मद साहब, मतलब हजरत मोहम्मद साहब के ससुर रहे हैं अबू बकर, ठीक। क्योंकि इनकी जो बेटी थी आयशा, उनसे हजरत मोहम्मद साहब की शादी हुई थी, ठीक। तो अबू बकर जो इनके सबसे प्रमुख अनुयायी थे, ठीक, वो कौन थे? इन्हीं के ससुर थे, हजरत मोहम्मद साहब के क्या थे? वो ससुर थे। तो आपको समझ में आए सारी चीजें, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने अपना जो ज्ञान लिया वो कहां लिया? हीरा नामक गुफा में, 610 एडी में। मैंने आपको बताया था हीरा नामक गुफा में अल्लाह ने अपने एक एंजल को भेजा, ठीक, जिब्रिल, जिन्होंने अल्लाह की कही हुई सारी बातें इनको बताई और इन्होंने फिर लोगों को वो चीजें बताई, ठीक। तो ये जो इनको ज्ञान हुआ वो कहाँ हुआ? हीरा नामक गुफा में, 610 एडी में, यर 610 एडी में, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो डेथ हुई, ठीक है, इनकी जो डेथ हुई वो हुई 632 एडी में। कहाँ हुई? मदीना में, ठीक। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई, ठीक। तो मोहम्मद साहब, ठीक, मोहम्मद साहब की जन्म मक्का में हुआ लेकिन डेथ इनकी कहाँ हुई? मदीना में हुई, क्लियर। इनके जो सबसे प्रमुख अनुयायी थे वो थे अबू बकर, ठीक, और इनके जो दामाद थे वो थे अली, ठीक, और इनकी बेटी थी फातिमा। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक। तो हजरत मोहम्मद साहब आपको समझ में आए, ठीक। आप इसके बाद, ठीक, अब इनके इस्लाम के इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, मतलब हजरत मोहम्मद साहब ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जो जो भी इस्लाम धर्म को मानता है, ठीक, जो भी इस्लाम में विश्वास रखता है उनको अपनी जिंदगी में ये पांचों कार्य करना अनिवार्य है, जो प्रिंसिपल्स हुआ करते हैं इस्लाम के, ठीक। इनके टोटल पांच सिद्धांत रहे हैं। टोटल कितने सिद्धांत रहे हैं? पांच सिद्धांत रहे हैं। और जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं उनको अपनी जिंदगी में ये पांचों सिद्धांत मानने हैं, ये कंपलसरी रहा है इनके तरफ से। क्या रहा है? ये कंपलसरी रहा है कि ये पांचों जो प्रिंसिपल्स हैं इसको मानना है, ठीक। अब इनके जो पांच प्रिंसिपल्स रहे हैं इस्लाम के, उसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल रहा है वो रहा है कलमा, ठीक। तो इनके जो सबसे पहले प्रिंसिपल रहे हैं वो रहे हैं कलमा, ठीक। कलमा मतलब होता है अल्लाह और पैगंबर को मानना, ठीक। इनको, ये जो भी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको अपनी जिंदगी में कलमा पढ़ना है, ठीक। कलमा का मतलब होता है जिनका यकीन हो अल्लाह पे और पैगंबर पे, ठीक। इनके यहां अगर हम बात करें तो इस्लाम में टोटल 6 कलमा है, ठीक, और इनके यहां जितने भी मुसलमान लोग हैं वो इन सारे कलमों को पढ़ते हैं, इनके सारे कलमा पढ़े जाते हैं, ठीक। कलमा का मतलब होता है अल्लाह पे और प्रॉफिट पर यकीन रखना। तो टोटल इस्लाम धर्म में अगर हम बात करें तो टोटल 6 कलमा है, ठीक, 6 कलमा है जो पढ़े जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा इनका सिद्धांत है वो है नमाज पढ़ना, ठीक। देखिए इनके यहां नमाज पढ़ी जाती है इस्लाम धर्म में, और इनके यहां जो नमाज पढ़ने का जो है वो है 5 बार की नमाज, एक दिन में, एक दिन में 5 वक्त की नमाज होती है, ठीक। तो इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल में है इस्लाम में कि नमाज 5 टाइम पढ़नी है एक दिन में, ठीक। और ये जो है एक तरीके से इनका सिद्धांत है, ठीक। तो नमाज जो पढ़नी है इनको कितनी बार पढ़नी है? 5 वक्त की नमाज होती है इनके, एक दिन में कितने वक्त की नमाज होती है? 5 वक्त की नमाज। तो नमाज पढ़ना इनके यहां एक अनिवार्य है। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इनके यहां ये मानना अनिवार्य है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो इनका प्रिंसिपल है वो है जकात, ठीक। इन्होंने जो तीसरा प्रिंसिपल दिया वो क्या दिया? जकात। इसमें ऐसा है
कि जो भी इस्लाम धर्म को मानता है ठीक, वो साल भर में जितना भी पैसा कमाएगा, जितना भी पैसा कमाएगा उसका 2.5%, कितना परसेंट, 2.5% डोनेट करेगा, गरीबों को दान में देगा। ये इनके यहां नियम है, जकात। ठीक, मतलब कि जो भी उन्होंने साल भर में जितना भी कमाया ठीक, उसका 2.5% ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, किनको, गरीबों को जो जरूरतमंद है उनको। तो ये नियम है, जकात प्रिंसिपल है ठीक, कि 2.5% जो है इनकम का साल भर में, उन्होंने जो भी पैसा कमाया उसको डोनेट करने का काम ठीक। तो तीसरा जो है वो क्या है, जकात। इसके बाद अगला हम बात करें तो वो है रोजा। देखिए रोजा भी एक तरीके की फास्टिंग या उपवास होता है, और इस्लाम धर्म की अगर हम बात करें तो इनके यहां 30 दिन का रोजा होता है। कितने दिन का रोजा होता है, 30 दिन का ठीक। तो इनके यहां जो चौथा प्रिंसिपल है इस्लाम का वो है रोजा ठीक। इनके यहां जो है सुबह सूरज उगने से पहले खाना खाना है, और सूर्यास्त सूरज के ढल जाने के बाद खाना खाना। ये फास्टिंग चलती है 30 दिन तक ठीक, और उसके बाद जब 30वें दिन जब चांद नजर आता है तब इनके यहां जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाई जाती है ईद ठीक। तो जो ईद त्योहार आता है वो 30 दिन की फास्टिंग के बाद, 30 दिन के रोजा के बाद आता है ठीक। तो चौथा काम इनके यहां जो है, जो भी इस्लाम धर्म को मान रहे हैं उनको रोजा रखना है, उनको फास्टिंग रखनी है 30 दिन की ठीक। और ये 30 दिन चलता है, सूर्य उदय होने से पहले खा लेना और उसके बाद सूर्यास्त के बाद खाना खाना ठीक। तो ये क्या होता है, रोजा। ये चौथा प्रिंसिपल रहा है इस्लाम का ठीक। इसके बाद जो आखिरी प्रिंसिपल है वो है हज की यात्रा। देखिए इनके यहां ये कंपलसरी है कि आपको अपने जीवन काल में एक बार हज की यात्रा करनी है। आपने जिंदगी में जितना भी कमाया, सारी चीजें करी, सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद एक यात्रा हज की करनी है ठीक, जिसमें मक्का जाया जाता है हज करने के लिए ठीक। आप देखते होंगे जितने भी मुसलमान हमारे भाई बहन हैं ठीक, वो सब इस्लाम हज करने जाया करते हैं मक्का ठीक। तो इनके जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, ये पांचों प्रिंसिपल जो भी इस्लाम धर्म को मान रहे हैं उनको ये पांचों काम करना कंपलसरी है। पहला है कलमा पढ़ना, 6 कलमा है इनके यहाँ, जिसमें बताया जाता है अल्लाह पे यकीन रखना और पैगंबर साहब पे यकीन रखना। तीसरा, दूसरा जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ना। तीसरा जकात, अपने जितना भी साल भर में कमाया उसका 2.5%, उसका 2.5% जो है वो दान में देना। चौथा है रोजा फास्टिंग, 30 दिन का होता है, सूर्य उदय के पहले खा लेना और सूर्यास्त के बाद खाना। पांचवा जो है वो है हज की यात्रा, मक्का जाकर के यात्रा पूरी करना। तो ये 5 प्रिंसिपल्स रहे हैं इस्लाम के। तो आई होप कि आपको समझ में आया कौन कौन से 5 प्रिंसिपल्स रहे हैं, कलमा, नमाज, जकात, रोजा, हज। क्लियर हुआ आप लोगों को ये ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें ठीक, अब इसके बाद देखिए हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हो गई 632 AD में, 632 AD में उनकी डेथ हो गई। अब उसके बाद उनका जो उत्तराधिकारी है ठीक, उनका मतलब प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जो भी उत्तराधिकारी है उसी को बोला जाता है खलीफत, या हिंदी में इसको कहा जाता है खलीफा। तो खलीफा किनको कहा गया, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी रहे, मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जिन्होंने उनकी जगह ली ठीक। देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब जब तक रहे वो इस्लाम धर्म के पॉलिटिकल हेड भी थे, राजनीतिक हेड भी थे, और वो धार्मिक हेड भी थे। मतलब वो जब तक रहे तो वो रिलीजियस हेड भी थे,
ठीक, और पॉलिटिकल हेड भी थे, ठीक। और उनकी मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी बने वो ऑटोमेटिकली इस्लाम धर्म के पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड हो गए, मतलब वो उनके राजनीतिक तौर पर और धार्मिक तौर पर वो उनके प्रमुख हो गए पूरे विश्व में, जितने भी लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले उनके सबके हेड कौन बन गए? कैलिफेट, जिनको हिंदी में क्या बोला जाता है? खलीफा, ठीक। और ये खलीफा किनको कहा जाता है? जो उत्तराधिकारी रहे हैं हजरत मोहम्मद साहब के, उनको क्या बोला गया? खलीफेट, या उनको क्या बोला जाता है? खलीफा, ठीक। जो हजरत मोहम्मद साहब को जो मानने वाले, ठीक है, या एक तरीके से कहा जाए हजरत मोहम्मद साहब के सक्सेसर, ठीक, तो कौन कहलाए? खलीफा कहलाए, ठीक। अब हजरत मोहम्मद साहब की डेथ के बाद, ठीक, देखिए उसके बाद, उनकी डेथ के बाद ये चुनाव करना मुश्किल हो रहा था कि अगला खलीफा या प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बाद सबसे पहला उनका उत्तराधिकारी किसे माना जाए। देखिए उस टाइम पर दो लोग थे, एक थे अबू बकर, जो मैंने आपको बताया था। अबू बकर कौन थे? उनके प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ये ससुर भी थे, ठीक है, और उनके सबसे प्रिय शिष्य या अनुयायी भी थे, ठीक। इसके बाद अगला जो हम बात करें, इनके एक दामाद भी थे जो मैंने आपको बताया था, अली, ठीक। अब इन दोनों के बीच में चुनाव करना था कि भाई अगला खलीफा कौन होगा, ठीक। एक थे कौन? अबू बकर, ठीक, जो इनके अनुयायी थे, इसके अलावा इनके ससुर भी थे, और दूसरे जो थे वो थे अली, ठीक। अली कौन थे? इनके दामाद थे, ठीक। इनकी जो पुत्री थी फातिमा, उनके पति और प्रॉफिट मोहम्मद साहब के चचेरे भाई, ठीक। तो अब इनमें चुनाव करना था कि अगला जो खलीफा बनेगा या उनका जो उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा, ठीक। तो जब ये इनके बीच हुआ, ठीक, तो इसमें इसके बाद, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा बने वो बने अबू बकर, ठीक। क्योंकि वहां के जितने भी मुसलमान या इस्लाम को मानने वाले जो लोग थे उन्हें उन्होंने अबू बकर को खलीफा माना, ठीक। अब इनको क्यों माना गया? क्योंकि जनरली जब भी कभी प्रॉफिट, देखिए आज भी अगर आप देखें तो जब भी कभी नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है, इन इस्लाम धर्म में जब भी नमाज पढ़ी जाती है तो उस नमाज को एक पर्टिकुलर व्यक्ति लीड करता है। नमाज को क्या करता है? वो लीड करता है, बाकी सारे उनको फॉलो करते हैं, ठीक। जैसे अगर हम बात करें तो इनके यहाँ जो मस्जिद होती है उनमें जो मस्जिद के जो एक तरीके से कहा जाए जो हेड होते हैं, एक तरीके से जिनको उलेमा कहा जाता है, क्या बोला जाता है? उलेमा। तो उलेमा जो हुआ करते हैं वो नमाज को लीड करते हैं और बाकी लोग उनको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो उस टाइम भी यही हुआ करता था कि जब भी कभी नमाज पढ़ी जाती थी तो जब तक प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे तब तक उस नमाज को लीड कौन करते थे? प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक। लेकिन कभी कभार जब हजरत मोहम्मद साहब या प्रॉफिट मोहम्मद साहब, कभी कभार उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, तो उस टाइम पर जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था तो उस टाइम पर नमाज को जो लीड किया करते थे वो किया करते थे अबू बकर। तो इसलिए जो लोगों के बीच में जो पॉपुलैरिटी बनी, ठीक, वो किनकी बनी? हजरत मोहम्मद साहब के बाद अबू बकर, ठीक। तो अबू बकर जो हैं इस आधार पर वहां के लोग जो हैं इनको उत्तराधिकारी मानने लगे, ठीक। तो इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा बनते हैं वो बनते हैं अबू बकर, ठीक। अली साहब जो हैं वो नहीं बन पाए, ठीक, अली साहब जो हैं वो नहीं बन पाए। अबू बकर जो बन गए वो क्या बन गए? खलीफा बन गए, ठीक। अब अबू बकर जो थे, ठीक है, वो एक तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो हैं बन गए खलीफा, ठीक। अब उस टाइम पर अली जो थे उनको ये लगा कि अबू बकर के बाद जो हैं खलीफा कौन बनूंगा? मैं बनूंगा, ठीक। मतलब अली को ये बात लगी कि भाई अबू बकर अभी खलीफा बन गए हैं,
लेकिन इनके बाद जो खलीफा बनेंगे वो मैं बनूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं सही तरीके से उनका उत्तराधिकारी हूं, पैगंबर मोहम्मद साहब का। ठीक, तो अबू बकर के बाद, लेकिन चूंकि अबू बकर अली को अपना कॉम्पिटिटर मानते थे, तो अबू बकर साहब जब अपने आखिरी समय पे थे, ठीक, तो इन्होंने अपने बेटे उमर को, इनके जो बेटे थे उमर, ठीक, इनको बोला जाता था हजरत उमर, ठीक, तो हजरत उमर सा को अपना खलीफा घोषित कर दिया। मतलब अबू बकर साहब ने अली को ना घोषित करके अपने बेटे हजरत उमर को घोषित कर दिया, क्या, खलीफा, कैलिफेट, ठीक। और ये जो हजरत उमर साहब हैं, ठीक, इनके समय में सबसे ज्यादा एक्सपांशन हुआ है इस्लाम का। देखिए, हजरत उमर इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं के समय में इस्लाम का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। अबू बकर के बेटे थे हजरत उमर, उनको अब खलीफा बना दिया गया, और इन्हीं के समय में इस्लाम का जो फैलाव था वो सबसे ज्यादा हुआ। सबसे ज्यादा इस्लाम का फैलाव किनके समय में हुआ? हजरत उमर के समय में। इन्हीं के समय में आज का जो इराक है, आज का जो ईरान है, ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें इजिप्ट, ये सारी टेरिटरीज पर कब्जा हो गया था इस्लाम का। तो इन्हीं के समय में, हजरत उमर को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्हीं के समय में इस्लाम का जो फैलाव हुआ वो सबसे ज्यादा हुआ। इराक, ईरान, इजिप्ट तक इस्लाम फैल गया था। पूरा जो मिडिल ईस्ट था, इनके समय में पूरे मिडिल ईस्ट पर इस्लाम का जो है वो एक तरीके से इस्लाम का कब्जा हो गया। तो एक्सपांशन जो हुआ इस्लाम का, धर्म का, वो हजरत उमर के समय में सबसे ज्यादा हुआ। ठीक, इसीलिए इनको एक टाइटल दिया गया है, अमीर उल मुमीन। इनको टाइटल दिया गया अमीर उल मुमीन, ठीक, अमीर उल मुमीन। ये टाइटल किसको दिया गया? हजरत उमर को, ठीक। क्यों? क्योंकि इनके समय में जो एक्सपांशन हुआ, ठीक है, इस्लाम का, वो सबसे ज्यादा हुआ, ठीक, वो क्या हुआ? सबसे ज्यादा हुआ। क्लियर हुआ आप लोग को ये? ठीक। और हजरत उमर को आपको इसलिए भी याद रखना है, भारत पर सबसे पहला इस्लाम का आक्रमण जो हुआ था, इंडिया पर जो सबसे पहला एक्सपेडिशन हुआ था, कब हुआ था? 636 एडी में। मैंने आपको जब शुरुआत की थी तब मैंने आपको ये बताया था कि अरब का सबसे पहला सक्सेसफुल एक्सपेडिशन जो हुआ वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 एडी। सक्सेसफुल का मतलब होता है जब आक्रमण में आपको सफलता मिले, लेकिन आक्रमण पहले भी हुए, और जो सबसे पहला आक्रमण हुआ भारत पर, इस्लाम का जो सबसे पहला आक्रमण हुआ भारत पर, वो 636 एडी में हुआ, और उस टाइम पर जो खलीफा थे वो थे हजरत उमर। तो आपको ये याद रखना होगा कि हजरत उमर के ही समय पर भारत पर सबसे पहला आक्रमण हुआ था, लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। मतलब आक्रमण तो किया था लेकिन ये हार गए थे और इनको वापस जाना पड़ा था। तो आक्रमण हुआ था भारत पर लेकिन सक्सेसफुल आक्रमण नहीं हुआ था। तो ये आक्रमण कब हुआ? हजरत उमर के टाइम पे, ठीक। तो हजरत उमर जो थे खलीफा, ये इनके समय में इस्लाम का सबसे ज्यादा फैलाव हुआ, ठीक। और इनको आपको इसलिए भी याद रखना है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो हुआ वो हजरत उमर के ही टाइम पर हुआ। अब इसके बाद जो बनते हैं खलीफा हजरत उमर के बाद, ये बनते हैं हजरत उस्मान। अगले जो बनते हैं वो कौन बनते हैं हजरत उमर के बाद? हजरत उस्मान, ठीक। तो अबू बकर बने सबसे पहले खलीफा, इसके बाद बने हजरत उमर,
और इसके बाद बने हजरत उस्मान। ठीक, अभी भी देखिए अली नहीं बने, अभी भी अली अभी भी खलीफा नहीं बने। अब हजरत उस्मान के बाद जो खलीफा बनते हैं वो बनते हैं हजरत अली, यही अली जो है। तो अली का जो नंबर है, अली साहब का जो नंबर है, ये चौथे बार लगता है, फोर्थ टाइम। तो इनसे पहले जो थे वो थे अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, और इसके बाद जो बनते हैं वो बनते हैं हजरत अली। इसके बाद जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? हजरत अली। ठीक, तो हजरत अली जो खलीफा बनते हैं ये हजरत उस्मान के बाद बनते हैं। ठीक, अब जैसा मैंने आपको बताया कि आज का जो इस्लाम है, अगर हम मुस्लिमों की बात करें तो ये दो सेक्ट में डिवाइड है, एक है शिया और दूसरे हैं सुन्नी। ठीक, एक है शिया और दूसरे हैं सुन्नी। ठीक, अब ये शिया और सुन्नी में कैसे बटे, क्या कारण था बटने का? ठीक, तो अब हम ये समझेंगे कि शिया और सुन्नी जो हैं ये क्यों बटे। ठीक, ये क्यों बटे? ठीक, तो अब हम इसको समझेंगे। ठीक, देखिए ये जो हजरत अली थे, ठीक है, जो अली कौन थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के दामाद थे, ठीक, इनकी क्या कर दी गई थी, हत्या करवा दी गई थी। इनका क्या हुआ था? हत्या करवा दी गई थी। ठीक, अब उस टाइम पर जो अली को मानने वाले लोग थे, जाहिर सी बात है कि उनको बुरा लगेगा, क्योंकि जो अली को खलीफा मानते थे, ठीक है, वो उनको बुरा क्यों लगा? क्योंकि हजरत अली साहब की हत्या करवा दी गई। ठीक, वहीं पर थे, उन्होंने, एक ने उनका सर कलम कर दिया था अली का, ठीक है, जब ये खलीफा थे उस टाइम पर। ठीक है, तो इनका क्या कर दिया गया था? सर कलम कर दिया गया था। ठीक, तो अगर हम बात करें, ठीक, तो यहीं से इस्लाम में अगर हम बात करें, मुसलमानों में दो सेक्ट बनने की नींव रखी गई अली की हत्या के बाद, एक थे शिया और दूसरे थे सुन्नी। ठीक, शिया जो लोग थे वो अली को सबसे पहला खलीफा मानते हैं। जो अली के अनुयायी थे वो क्या कहलाए? शिया कहलाए। और जो दूसरी तरफ के थे, मतलब जो ये अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान को मानने वाले जो लोग थे, ये क्या कहलाए? सुन्नी कहलाए। तो इस तरीके से इस्लाम धर्म दो पार्ट में डिवाइड हुआ, शिया और सुन्नी। जो अली को खलीफा मानते थे, मतलब अली को असली उत्तराधिकारी मानते थे प्रॉफिट मोहम्मद का, वो कौन बने? शिया बने। और जो अबू बकर, ठीक है, ये जो अबू बकर हैं, ठीक है, इनको जो अपना खलीफा मानते हैं, मतलब जो पहला खलीफा मानते हैं, वो कौन बने? सुन्नी बने। ठीक, तो अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान को मानने वाले लोग सुन्नी बने, और हजरत अली, ठीक, उनको मानने वाले जो लोग बने वो कौन बने? शिया बने। उनको कौन बने? शिया बने। और शिया और सुन्नी की जो दुश्मनी है वो यहीं से स्टार्ट हुई जब हजरत अली साहब की हत्या करवा दी गई। उसके बाद से शिया और सुन्नी के बीच में एक बड़ा कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, शिया और सुन्नी का कन्फ्लिक्ट। आज भी आप सुनते हैं शिया और सुन्नी का कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा लेवल पर है। ठीक, तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, क्योंकि जो शिया लोग हैं वो अली को खलीफा मानते हैं, और जो सुन्नी हैं वो भी अली को खलीफा मानते हैं, लेकिन पहला खलीफा नहीं मानते। वो किसको पहला खलीफा मानते हैं? अबू बकर को। तो आपको ये डिफरेंस समझना होगा, ऐसा नहीं है कि सुन्नी अली को खलीफा नहीं मानते, वो मानते हैं, लेकिन उनको चौथे नंबर पर खलीफा माना जाता है, पहले पर अबू बकर को वो खलीफा मानते हैं। लेकिन जो शिया लोग हैं, ठीक, जो शिया हैं वो किसको मानते हैं? अली को ही पहला खलीफा मानते हैं। अली को ही क्या मानते हैं? पहला खलीफा। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, समझ में आया आप लोगों को? ठीक, तो खलीफा की शुरुआत कैसे हुई? ठीक, अब शुरू के ये जो चार खलीफा थे, अगर हम बात करें, अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली, ये जो चार
कैलिफेट या खलीफा थे, ठीक। इनको एक नाम दिया गया, ठीक, इनको क्या दिया गया, एक नाम दिया गया रहसुद्दीन खलीफा। ये चारों क्या कहलाए, रहसुद्दीन खलीफा, आपको याद रखना होगा ये क्या कहलाए चारों के चारों, रहसुद्दीन खलीफा। क्योंकि इनके इनको रहसुद्दीन खलीफा इसलिए कहा गया क्योंकि इनके समय में अगर हम बात करें तो इस्लाम का एक बहुत ही अच्छा, जो एक तरीके से प्रॉपर तरीके से इस्लाम के रूल्स को फॉलो करना, प्रॉपर तरीके से इस्लाम धर्म का चलना, ये इन्हीं चार के समय में हुआ, इसीलिए इनको कहा गया रहसुद्दीन खलीफा। इन चारों को, अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली, ठीक। तो अगर हम बात करें तो इनमें भी जो खलीफेट है या खलीफा भी है वो भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला क्या रहा है, रहसुद्दीन खलीफा, ठीक। तो रहसुद्दीन खलीफा में ये चार आते हैं खलीफा, अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली, ठीक। तो अगर हम बात करें रहसुद्दीन खलीफा, अच्छा इनके समय में जो राजधानी हुआ करती थी वो भी मदीना हुआ करती थी, क्योंकि आप याद करिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब की भी जो राजधानी, जो एक तरीके से पॉलिटिकल राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी, मदीना। तो इनके समय में भी जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, मदीना। और इनके समय में जो खलीफा थे वो थे अबू बकर, इसके अलावा हजरत उमर, जिनका नाम क्या था, अमीर अल मोमिनीन, ठीक। इनको मोमिनीन क्यों कहा जाता था, क्योंकि इनके समय में इस्लाम का जो उदय हुआ, एक्सपांशन हुआ, वो सबसे ज्यादा हुआ, ठीक। और इन्हीं के समय में भारत पर सबसे पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ था। इसके बाद बात करें तो अगले जो हुए वो हुए हजरत उस्मान, और जो चौथे हुए वो हुए हजरत अली। हजरत अली जो कि किनके दामाद थे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के, और शियाओं के मुताबिक हजरत अली को ही वो अपना पहला खलीफा मानते हैं, ठीक। लेकिन सुन्नी जो हैं वो किनको मानते हैं, अबू बकर, ठीक। तो यहां पे समझ में आया आपको, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो रहसुद्दीन खिलाफत के बाद या कैलिफेट के बाद, खिलाफत के बाद इनका ये जो बात करें, ये जो हजरत उस्मान है, ठीक है, हजरत उस्मान का एक रिश्तेदार हुआ करते थे, ठीक, इनका नाम था मुआविया। देखिए अब यहां से क्या शुरू होगा, कन्फ्लिक्ट शुरू, बहुत बड़े लेवल पर कन्फ्लिक्ट शुरू होगा। क्या था, उस्मान के बाद खलीफा कौन बने, अली बने। अब अली के बनने के बाद से अली की हत्या करवा दी गई, अब उसके बाद कौन बनेगा खलीफा, ठीक। तो उस टाइम पर अली के, अगर हम अली की बात करें, ठीक, तो अली के दो बेटे थे। अगर हम अली साहब की बात करें तो इनके दो बेटे थे, एक इनके बेटे थे हसन और दूसरे इनके छोटे बेटे थे हुसैन। तो इनके दो बेटे थे हसन और हुसैन, ठीक। इनके बड़े बेटे का नाम था हसन और इनके जो छोटे बेटे थे उनका नाम क्या था, हुसैन। तो अली के बाद कायदे से खलीफेट या खलीफा किसको बनना था, हसन को बनना था। किनको बनना था, हसन को बनना था, ठीक। लेकिन हसन की भी क्या कर दी जाती है, हत्या करवा दी, मतलब चूंकि देखिए अली की जो फैमिली थी ना ये बहुत अच्छे लोग थे, ठीक। तो इनका क्या था, इनका मतलब ये बहुत ही शरीफ माने जाते थे, ठीक। तो हसन क्या थे, ठीक, हसन जो अली के बेटे थे, ठीक, वो क्या थे, उनकी भी हत्या करवा दी गई थी, ठीक। और उसके बाद जो हुसैन थे, ठीक है, छोटे बेटे जो थे, ठीक, वो चूंकि उतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे तो उन्होंने मुआविया के साथ एक समझौता किया और इसके बाद जो खलीफा बन गए वो कौन बन गए, मुआविया। मतलब कि हजरत उस्मान के जो रिश्तेदार थे मुआविया, ठीक, इन्होंने हसन की हत्या के बाद हुसैन को बनना था लेकिन हुसैन ना बन के कौन बन गए, मुआविया बन गए। कौन बन गए, मुआविया जो है वो अगले खलीफा बन गए। तो हजरत अली के बाद हसन बने, हसन को थोड़े टाइम ही तक रहे लेकिन फिर इसके बाद कौन बन गए, मुआविया बन गए, ठीक है। और
हुसैन को ये वादा किया गया कि ये जो हुसैन जो अली के छोटे बेटे थे इनको वादा किया गया कि मुआविया के बाद कौन बनेंगे, खलीफा हुसैन बनेंगे। तो मुआविया ने ये वादा कर दिया कि हमारे बाद जो खलीफा बनेंगे वो कौन बनेंगे, आप बनेंगे। ठीक, तो मुआविया से अगर हम बात करें, ठीक, अगली जो खिलाफत शुरू होती है, ठीक, अगली अगर हम बात करें तो जो अगली इनकी खिलाफत शुरू होती है जिसको क्या कहा जाता है, उम्मयद खिलाफत। कौन सी? उम्मयद खलीफेट। ठीक, उम्मयद खलीफा जो है वो यहां से शुरू होते हैं, मुआविया से। हजरत अली तक कौन थे? रईसुद्दीन खलीफा। अब इसके बाद कौन शुरू होते हैं? उम्मयद खलीफा। और उम्मयद खलीफा के सबसे पहले खलीफा कौन बनते हैं? मुआविया। ठीक, तो मुआविया खलीफा बनते हैं। ठीक, अब इन्हीं के समय में शुरू हुई उम्मयद खिलाफत। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें उम्मयद खिलाफत की, तो यहां से अब जो खलीफा की पोस्ट थी, अगर हम बात करें तो उम्मयद खिलाफत से जो खलीफा की पोस्ट थी इसको हेरिडेटरी बना दिया गया। हेरिडेटरी का मतलब जो खलीफा रहे हैं उनके पुत्र ही अगले खलीफा या उनके खानदान का ही कोई अगला खलीफा बनेगा, मतलब इस पोस्ट को हेरिडेटरी कर दिया गया। खिलाफत की जो पोस्ट थी, ठीक है, कैलिफेट की जो पोस्ट थी इसको हेरिडेटरी कब किया गया? उमय्यद खलीफा से। ठीक, और इसके जो सबसे पहले खलीफा थे वो थे मुआविया। ठीक, देखिए अली के छोटे बेटे जो हुसैन थे, ठीक, वो मान गए इनकी बात मुआविया की, लेकिन मुआविया ने हुसैन को ना बना करके अपने पुत्र को खलीफा बना दिया जो थे याजिद, यजीद, इनको क्या बोला जाता था? यजीद। ठीक, तो जो अगले खलीफा बने वो बने यजीद। ठीक, तो जब हुसैन ने इसका विद्रोह किया, देखिए हुसैन को खलीफा बनना था मुआविया के बाद, लेकिन कौन बन गए? यजीद बन गए, तो जाहिर सी बात है कि वो खिलाफत करेंगे। ठीक, अब उनके खिलाफत करने के कारण, और चूंकि अली जो थे, ठीक है, ये बड़े अच्छे एक तरीके से हैं उस टाइम पर, बड़े वो माने जाते थे, तो पब्लिक का भी धीरे धीरे इनको सपोर्ट मिलने लगा। पब्लिक का भी धीरे धीरे इनको क्या होने लगा? सपोर्ट मिलने लगा। तो उसके बाद याजिद साहब ने क्या किया, इनको हुसैन साहब को बुलाया, बोले आइए बैठ के बात करते हैं, बैठ के सारी चीजें चर्चा करते हैं। तो याजिद साहब ने जब हुसैन को बुलाया, अली साहब के छोटे बेटे को, और उनकी क्या कर दी? हत्या करवा दी। हुसैन की भी क्या कर दी? हत्या करवा दी। तो अली के परिवार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। जो अली थे उनके दोनों बेटों को मार दिया गया, अली को भी मार दिया गया। ठीक, तो अली जो थे उनके पूरे जो एक तरीके से फैमिली है उसको खत्म कर दिया गया, जिससे फिर शिया और सुन्नी का कन्फ्लिक्ट जो होने लगा वो अब बहुत तेजी से बढ़ने लगा। क्योंकि ये जो शिया लोग थे, जो इनको मानने वाले लोग थे अली को, ठीक, वो ये बात अब समझ गए कि ये जो अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं, हजरत उमान हैं, ये हमारे खलीफा नहीं हो सकते, ये हमारे नहीं हो सकते। तो इन्हों को जो है एक तरीके से नफरत होने लगी इन लोगों से, जो दूसरी तरफ के लोग, क्योंकि इनके जो जिनको ये खलीफा मानते थे उनकी हत्या करवा दी गई थी। तो इसी कारण से ये कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा। और देखिए ये कन्फ्लिक्ट बेसिकली बढ़ना शुरू कब से हुआ? उमय्यद खिलाफत के आने के बाद से। पहले जो रासुद्दीन खिलाफत थी उस टाइम पर कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं था। कन्फ्लिक्ट कहां से शुरू हुआ? जब यहां पर उमय्यद खलीफा जो है उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया अली की फैमिली के ऊपर, तो वहां से शिया और सुन्नी के बीच में कन्फ्लिक्ट जो हो गया वो बढ़ने लगा। वहां से शिया और सुन्नी के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। ठीक, तो याजिद बन गए। ठीक, अब याजिद के बाद जो अगले खलीफा बनते हैं वो बनते हैं अल वालिद। कौन बनते हैं? अल वालिद। अब अल वालिद को आपको इसलिए याद रखना है कि भारत पर सबसे पहला सक्सेसफुल आक्रमण, मैंने आपको बताया था भारत पर सबसे पहला सक्सेसफुल आक्रमण कहां हुआ था?
कौन से रीजन में हुआ था? सिंध में। उस टाइम पर सिंध का राजा कौन था? दाहिर। सिंध का राजा कौन था? दाहिर। और जो मुस्लिम आक्रमणकर्ता थे, जिन्होंने आक्रमण किया था, वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो हैं, इन्होंने सबसे पहला सफलतापूर्व आक्रमण किया था भारत के ऊपर। कहां पे किया था? सिंध में। ठीक। और उस टाइम पर जो खलीफा थे, ठीक, वो थे अल वालिद। ठीक। तो आपको याद रखना है, अल वालिद के ही समय में, जब वो खलीफा थे, भारत के ऊपर सबसे पहला सक्सेसफुल आक्रमण हुआ। सक्सेसफुल मतलब आक्रमण किया तो उसमें सफलता मिली। लेकिन अगर हम भाई हजरत उमर साहब की बात करें, तो उनके समय में भारत पर सबसे पहला आक्रमण हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था। क्लियर? तो अल वालिद जो थे, उमैयद डायनेस्टी के, ठीक, वो खलीफा थे अल वालिद, ठीक, जिनके समय में सबसे पहला सक्सेसफुल आक्रमण हुआ भारत के ऊपर। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इसी में जो आखिरी खलीफा थे, वो थे मारवान सेकेंड। कौन थे? मारवान सेकेंड। तो मारवान सेकेंड जो थे, उमैयद डायनेस्टी के आखिरी खलीफा थे। कौन थे? मारवान सेकेंड। ठीक। अब इसके बाद जो अगली खिलाफत आती है, वो आती है अब्बासी खिलाफत। वो कौन सी आती है? अब्बासी खिलाफत, अब्बासिड कैलिफेट, अब्बासी खिलाफत। देखिए, अब्बासी खिलाफत की शुरुआत कहां से होती है? अरब, मैंने आपको बताया था उस टाइम पर अरब रीजन जो था, ठीक है, अरब रीजन पर धीरे धीरे सब आक्रमण हो रहे थे। ठीक। तो यहां पे सिंध से लगा हुआ, अफगानिस्तान से लगा हुआ जो है, वो है ईरान। ठीक। तो ईरान पर अब इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। ठीक। और इन्होंने क्या कर लिया? ईरान पे कब्जा कर लिया। ठीक। ईरान पे क्या कर लिया? इन्होंने कब्जा कर लिया। अब उस टाइम पर ईरान पे जो धर्म चलता था, वो था जोरोथ्रिस्ट। जोरोथ्रिस्ट चलता था। कहां चलता था? ईरान में। ईरान का अपना धर्म था जोरोथ्रिस्ट। ठीक। जिनको क्या बोला जाता था? पारसी। ठीक है। कौन सा धर्म चलता था? पारसी। ठीक। जोरोथ्रिस्ट कहा जाता था इनको। ठीक। तो ये जब इन्होंने ईरान पे कब्जा किया, ठीक, तो जाहिर सी बात है, इनका एम क्या होता था? सबको मुसलमान बनाओ, इस्लाम धर्म अपनाओ। जितने भी इस्लामिक जो खलीफा रहे, सबका अल्टीमेट एम एक ही हुआ करता था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और लोगों को इस्लाम धर्म से जोड़ना, ये इनका काम हुआ। तो ईरान में भी जब अरबों ने आक्रमण किया, तो ईरान में जो, जिसे कहा जाए तो जो जोरास्त्र थे, ठीक है, जो पारसी लोग हुआ करते थे, वो यहां पे रहा करते थे। अब इनकी अपनी एक सभ्यता थी, जिसे हम कल्चर कहते हैं, और इनका कल्चर इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल था, कि भले ही अरबों ने इनके ऊपर आक्रमण करके इन पे कब्जा कर लिया था, लेकिन इनकी संस्कृति या कल्चर को नहीं बदल पाए। जबकि उन जो अरब लोग, जिन्होंने इनको ईरान में जो हमला किया, उन्होंने इनकी संस्कृति अपना ली थी। इसीलिए आप देखें, जितने भी मुस्लिम रूलर्स रहे हैं, उनकी ज्यादातर मुस्लिम रूलर्स की लैंग्वेज पर्शियन रही है। पर्शियन मतलब पर्शियन कहा जाता था ईरान के लोगों को उस टाइम पर, क्या बोला जाता था? पर्शियन बोला जाता था। ठीक। तो आपने जितने भी ज्यादातर मुस्लिम जो राजा देखे हैं, मुस्लिम जो रूलर्स देखे, उन्हों की कोर्ट लैंग्वेज क्या हुआ करती थी? पर्सियन लैंग्वेज। ठीक। तो भले ही इन्होंने ईरान पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन जो जोराथ्रिस्ट मानने वाले लोग थे, उनको जो था, ठीक, उनके कल्चर को ये चेंज नहीं कर पाए थे। ठीक। तो यहां से अगर हम बात करें, तो जो मुस्लिम थे, ये दो भाग में बढ़ गए थे। देखिए, शिया सुन्नी अलग थे, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो क्षेत्र वाइज अगर हम बात करें, तो ईरान पर से ही यहां पर दो तरीके के मुस्लिम बन गए थे। एक जो थे, वो थे अरबी मुस्लिम,
ठीक, जो अरब रीजन से आए हुए थे, और दूसरे जो थे जो यहां पर ईरान में जो कन्वर्ट किए गए मुसलमान थे, जिनको बोला जाता है ईरानी मुस्लिम। क्या बोला जाता है? ईरानी मुस्लिम। तो एक अरबी मुसलमान थे, एक ईरानी मुसलमान थे, तो दो भाग में बट गए थे। ईरान में जितने भी कन्वर्टेड मुस्लिम हुए थे उनको ईरानी मुस्लिम कहा जाता, उनको क्या बोला जाता था? ईरानी मुस्लिम कहा जाता। क्लियर? अब चूंकि इनका कल्चर जो था वो बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छा कल्चर माना जाता था, इसलिए इनके कल्चर को जो था वो अरबों ने भी अडॉप्ट कर लिया था। ठीक, अब अरबों ने जब ईरान पर आक्रमण किया, ठीक, तो ईरान से, अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस्लाम धर्म नहीं अपनाना चाहते, जो क्या नहीं चाहते थे कि हम मुसलमान बने, तो वो क्या हुआ, ईरान से भाग गए। ईरान से क्या हो गया, वो लोग भाग गए। ठीक है, और ईरान से भाग के आपने अगर मैप देखा हो तो ईरान के बगल में ये अफगानिस्तान है, और ये जो समुद्र है इसको कहते हैं अरेबियन सी। अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो ये अरब सागर है। ठीक, तो ये लोग ईरान से जो भागे हुए लोग थे, ठीक, ईरान जो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाना चाहते थे वो वहां से भाग गए। ठीक, देखिए जो लोग वहां पर थे उन्होंने तो इस्लाम धर्म अपना लिया, लेकिन जो वहां पर नहीं थे, ठीक, वो जो इस्लाम धर्म नहीं अपनाना चाहते थे वो वहां से भाग गए। अब जब वो वहां से भागे तो वो ये अरब सागर से पार करते हुए भारत देश के दो प्रांत, गुजरात रीजन और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र में ये लोग आ गए। ठीक, और यही लोग कौन कहलाते हैं? पारसी। हमारे यहां जो पारसी लोग हैं ये बेसिकली ईरान के लोग हैं, ये ईरान से भाग के आए। जब ईरान पर अरबों ने आक्रमण किया तो ईरान से भाग के, क्योंकि ये मुस्लिम धर्म नहीं अपनाना चाहते थे, और जो मुस्लिम धर्म नहीं अपना सकता तो वो वहां रह नहीं सकता था, तो ये अरब सागर से भाग के गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में एंटर कर गए, और इन्हीं को क्या कहा गया? पारसी। आज भी अगर हम बात करें तो हमारे देश में पारसी रह रहे। ठीक, हमारी एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, ये पारसी है, वो हिंदू नहीं है, वो क्या है? पारसी है, स्मृति ईरानी। ठीक, ये सब क्या है, इनके दादा परदादा ईरान से भाग के आए थे, ठीक, अरब सागर को पार किया, ठीक, और यहां पर आ गए। इसके अलावा अगर हम बात करें दादा भाई नायरोजी, दादा भाई नायरोजी इतिहास में आप पढ़ेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। दादा भाई नायरोजी भी क्या रहे हैं? पारसी रहे हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो होमी जहांगीर बाबा, होमी जहांगीर भाभा, ये भी कौन रहे हैं? पारसी रहे। तो दारू वाला, बाटली वाला, ये सारे क्या रहे हैं? पारसी रहे। ठीक, तो ये पारसी कौन थे? ये ईरान के लोग थे। ईरान से क्या हो गया था? ये इस तरफ आ गए थे। ये ईरान से किस तरफ आ गए थे? ये इस तरफ आ गए थे। तो अब्बासिस खिलाफत समझ में आई आपको? तो अब्बासियों की खिलाफत शुरू हुई ईरान से। ठीक, तो अब इनकी जो राजधानी बन गई वो ईरान बन गई। ठीक, देखिए इस टाइम पर हुआ क्या, जो ईरान के मुसलमान थे, ठीक है, इनको धीरे धीरे जो अली के तरफ के लोग थे उनके साथ सिंपति बढ़ने लगी। ठीक, क्योंकि ये जो इस तरफ के जो खलीफा थे, ठीक है, अगर हम बात करें उमय्यद खिलाफत वाले, ये क्या थे, बहुत ज्यादा गलत गलत चीजें कर रहे थे। तो उस टाइम पर जो ईरान में जो थे, ठीक है, जो मुसलमान थे ईरान के, जो मुस्लिम थे, उनको अली के लोगों के साथ जो होने लगा, अली के जो अनुयायी थे उनसे जो होने लगी, वो एक तरीके से कहा जाए तो उनके प्रति सिंपति होने लगी। ठीक, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, खिलाफत बदलने लगी है। ठीक, तो इनके जो लास्ट खलीफा थे मारवान सेकेंड, ठीक, तो इनके अब्बास खलीफत के जो सबसे पहले खलीफा थे अब्दुल शाह अब्बासी, इन्होंने क्या किया, मारवान सेकंड को मार दिया। मारवान सेकंड को मार के अपनी एक नई खिलाफत खड़ी की जिसको कहा गया
अब्बासिड खलीफत, ठीक। और ये अब्बासी खलीफत, ये जो खलीफत रही, खलीफा रही, इसको खत्म किसने किया? मतलब देखिए, सबसे पहले कौन सी खिलाफत थी अगर हम बात करें तो राशुद्दीन खलीफत, इसके बाद कौन बने? इसके बाद बने उस उम्मयद खिलाफत, इसके बाद फिर अगले कौन बने? अब्बासिड खिलाफत, ठीक। तो अब्बासिड खिलाफत को खत्म किसने किया था? ये किया था मंगोल ने। मंगोल जो थे, इन्होंने अब्बासिड खलीफत को खत्म किया था। मंगोल के उस टाइम पर एक राजा थे, हल्लाकू खान। हल्लाकू खान, इन्होंने आक्रमण किया था ईरान के ऊपर, और यहां से अब्बासिद खलीफत को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था, ठीक। तो अब्बासी खिलाफत को खत्म करने वाले थे, याद रखिएगा, अब्बासी खिलाफत कौन थे? ईरानी मुसलमान। कौन से मुसलमान थे ये? ईरानी मुसलमान, ठीक। तो इनकी खिलाफत को खत्म किसने किया था? मंगोलों ने। 1258 में मंगोल एम्परर हल्लाकू खान ने इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। इनको पूरी तरीके से क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था, क्लियर। तो मंगोल जो थे, उन्होंने क्या किया था? इनको खत्म किया था, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अगली खिलाफत आती है, जो एक तरीके से इनकी सबसे लास्ट खिलाफत मानी जाती है, ठीक है, वो मानी जाती है ऑटोमन खिलाफत, ऑटोमन कैलिफेट, ठीक। ऑटोमन कैलिफेट, ये इनका सबसे लास्ट एम्पायर था जिसको हम ऑटोमन एम्पायर जानते हैं। इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, वो हुआ करती थी कुस्तुनिया। कुस्तुनिया जो है, वो इनकी राजधानी हुआ करती थी ऑटोमन्स की। देखिए, ऑटोमन्स बेसिकली जो हुआ करते थे, ठीक है, ऑटोमन्स एम्पायर की बात करें, ठीक है, तो ये बेसिकली जो है, ठीक है, इनको जो है उस्मानी खिलाफत भी कहा जाता था, ठीक। इनको क्या बोला जाता था? उस्मानी खिलाफत या ऑटोमन खिलाफत, ठीक। अब इसका नाम ऑटोमन कैसे पड़ा? जो उस टाइम पर तुर्क थे, ठीक। देखिए, मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, अपना जो सेंट्रल एशिया है, मतलब आज का जो रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, यहां पर दो प्रजातियां रहती थी, मतलब दो जातियां रहती थी। एक जो थे वो थे तुर्क, और दूसरे जो थे वो थे मंगोल। कौन थे? एक थे तुर्क और दूसरे कौन थे? मंगोल, ठीक। तो जो ये जो सेंट्रल एशिया की तरफ ये जो रहा करते थे तुर्क और मंगोल, ठीक। तो जब मंगोल पावरफुल होने लगे, किसके टाइम पर? मंगोल के सबसे पावरफुल रूलर थे गेंगीज खान, चंगेज खान जिसको कहा जाता है, सबसे पावरफुल रूलर हुआ करते थे मंगोल के। तो जब मंगोल उनके समय में पावरफुल हुए, तो उस टाइम पर उन्होंने वहां से तुर्क को मारना शुरू किया। जो तुर्क थे, उनको धीरे धीरे क्या किया? मारना शुरू किया। तो तुर्क वाले सेंट्रल एशिया से भाग के किधर आए? अब्बासिड्स के पास आए, ईरानियों के पास। ये जो तुर्क थे, ये किधर भाग के आ गए? अब्बासियों के पास, कि साहब हमें शरण दे दो, ठीक। उस टाइम पर क्या हुआ? चूंकि ये क्या थे? मंगोलों से डरे हुए थे, क्योंकि मंगोल इनको क्या कर रहे थे? सेंट्रल एशिया से मार मार के क्या कर रहे थे? भगा रहे थे। तो ये सारे तुर्क जो थे, ये किधर आ गए? अब्बासिड्स कैलिफेट के पास आ गए, ठीक। अब इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे इनका फायदा उठाना शुरू किया। क्या किया तुर्क? चूंकि इनका, देखिए, इनका कोई धर्म तो था नहीं तुर्कों का, ये वहां पे रहते थे, वहां से भाग के आ गए थे। तो इन्होंने पहले तो इनको तुर्कों को क्या बनाया? मुसलमान बनाया, ठीक। तुर्कों को क्या कर दिया? अब्बासिड कैलिफट ने क्या कर दिया? धीरे धीरे क्या बना दिया? मुसलमान बना दिया तुर्कों को, ठीक। अब तुर्कों को धीरे धीरे मुसलमान बनाने के बाद, अपना जितना भी बाउंड्री वाला रीजन था, मतलब इनको क्या किया? बॉर्डर पर खड़ा कर दिया, और बोले अगर इधर से कहीं से भी आक्रमण होता है तो उसमें तुम करोगे, लड़ाई लड़ोगे। मतलब ये अब्बासिड खलीफत ने क्या किया? इन्होंने तुर्कों को बॉर्डर्स पर खड़ा कर दिया, जितने भी तुर्क थे इनको क्या कर दिया? अपनी सीमा पर खड़ा कर दिया। तो जो भी आक्रमण होता था, सारा तुर्क झेलते थे,
यही लड़ते थे, सारी चीजें यही करते थे। ठीक, इनके पास जो इन्होंने जो है इनको मुसलमान तो बना ही दिया था, इस्लाम धर्म तो इन्होंने तुर्कों ने अपना ही लिया था। अब क्या करने लगे, धीरे धीरे जब इनकी लड़ाइयां बॉर्डर पर ये करने लगे, तो ये जो तुर्क हो गए, देखिए जो भी लड़ाई करता है या जो भी संघर्ष करता है ना, वो हमेशा मजबूत होता है। और तुर्क भी क्या हो गए, धीरे धीरे लड़ते लड़ते ये भी मजबूत हो गए। और ये इतने मजबूत हो गए कि एक टाइम बाद इन्होंने इन्हीं को कह दिया कि भाई तुम काहे के खलीफा, सारा काम तो हम कर रहे हैं, लड़ाई हम लड़ रहे हैं, सारी चीजें हम कर रहे हैं, इस्लाम भी अब हमारा है, इस्लाम धर्म भी हमने अपना लिया है, अब तुम खलीफा नहीं हो, अब खलीफा हम हैं। भले ही इनको इस्लाम धर्म का, तुर्कों को उतना ज्ञान नहीं था, इनको इस्लाम धर्म का उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन इनको बस इतना पता था भाई लड़ाई तो हम कर रहे हैं, सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो खलीफा भी हम ही होंगे। तो तुर्कों ने एक तरीके से पूरे उस पर कब्जा कर लिया। ठीक, और यही खिलाफत बनी, कौन सी बनी, ऑटोमन खिलाफत। ठीक, तो आज का जो तुर्क है, टर्की, ठीक है, टर्की वाला जो रीजन है अगर आप याद करें, तो वो ऑटोमन्स की राजधानी हुआ करती थी, और ऑटोमन्स का बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, पूरा टर्की वाला रीजन, इजिप्ट है, अफ्रीका है। अगर आप ऑटोमन एम्पायर की बात करेंगे तो ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा था। ठीक, तो ये ऑटोमन एम्पायर वाले कौन थे, ये तुर्क थे। ये कौन थे, तुर्क थे। ये तुर्कों ने सबसे पहले तो इनके यहाँ शरण ली, इन्होंने उनको इस्लाम बना दिया, मुसलमान बना दिया, ये इनके बॉर्डर पर लड़ते रहे। इनके इनके आदेश पर तुर्कों ने क्या किया, तलवार की नोक पे लोगों से इस्लाम धर्म कबूल करवाया। लोग इनसे पूछते भी थे कि भाई इसका मतलब क्या है, बोले हमें मतलब नहीं है, आप तो इस्लाम बोलो, इस्लाम कबूल है। तो तुर्क इस्लाम के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, इनको बहुत ज्यादा उनके बारे में ज्ञान नहीं था। तो यहीं से अगर हम बात करें, तो चूंकि ये ऐसे रीजन में रहते थे जिसके कारण ये तुर्क जो थे ये बहुत ज्यादा क्रूर थे। देखिए इस्लाम का शुरुआत में अगर आप चेहरा देखें तो वो बहुत ही अच्छा चेहरा माना जाता है, लेकिन चेहरा बिगड़ना कब से शुरू हुआ, तुर्क से। जब तुर्कों ने क्या किया, धीरे धीरे अपने हाथ में सत्ता ली, तो इन्होंने फिर अपने तरीके से चीजों को चलाया, और इनका जो है इस्लाम को लेकर के बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, ये बहुत ज्यादा इस्लाम के बारे में नहीं जानते थे, ये सिर्फ तलवार की नोक पे क्या करते थे, इस्लाम धर्म कबूल करवाते थे, हिसाब आप तो इस्लाम धर्म कबूल करो। तो ये सारी चीजें थी। तो ऑटोमन खलीफत आया कहां से, तुर्कों से आया। ठीक, तो अब अगर हम बात करें तो इनके जो सबसे पहले थे वो थे उस्मान खलीफा जो थे। ठीक, इसके बाद इनके बने मोहम्मद, और आपको सबसे आखिरी याद रखने हैं जो हैं अब्दुल खालिद, ये सबसे आखिरी खलीफा थे। इसके बाद से खलीफा की पोस्ट खत्म कर दी गई, अब कोई भी खलीफा नहीं था। अब्दुल खालिद जो सबसे लास्ट खलीफा थे, इन्हीं को गद्दी से हटाया गया था, और इन्हीं को गद्दी से हटाने का विरोध खिलाफत मूवमेंट के रूप में भारत में चला था। आपने सुना होगा खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था, इन्हीं को खलीफा के पद से हटा दिया गया। देखिए खलीफा उस टाइम भी पूरे विश्व के मुसलमानों का सबसे सम्मानित स्थल हुआ करता था, मतलब वो सबसे सम्मानित हुआ करते थे खलीफा। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड सेकेंड सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से 18 में, इसमें टर्की जो था, टर्की किसकी राजधानी थी, इन्हीं की राजधानी थी, ऑटोमन्स की। तो टर्की ने जो साथ दिया था वो जर्मनी का साथ दिया था, मतलब वो जर्मनी वाले साइड में थे, और वो किसके खिलाफ थे, अंग्रेजों के खिलाफ। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो अंग्रेजों ने तो यहां के मुसलमानों से वादा किया था कि हम खलीफा को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने खलाफा खलीफा को क्या कर दिया, खत्म कर दिया युद्ध के बाद। जब टर्की हारा तो खलीफा को डिसइंटीग्रेट कर दिया, और जो तुर्की था, जो पूरा ऑटोमन एम्पायर था, उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो तुर्की कंसोलिडेट हो गया सिर्फ एक छोटी सी कंट्री के अंडर,
वो है टर्की, बस बाकी सब क्या हो गए, आजाद हो गए। ठीक, और इसी के अगेंस्ट में क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक, तो ये था पूरा चैप्टर राइज ऑफ इस्लाम। आई होप कि आपको पूरी चीज समझ में आई होगी, किस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने किस तरीके से इस्लाम का उदय किया और उनकी थ्योरीज, उनके जो प्रिंसिपल्स थे उसको धीरे धीरे फैलाया। फिर इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पांच पिलर्स, या एक तरीके से कहा जाए पांच प्रिंसिपल्स दिए इस्लाम के। फिर इसके बाद उनके अनुयायियों को हमने देखा जो खलीफा बने, अलग अलग समय में अलग अलग खलीफा बने। ठीक, और जो सबसे लास्ट खलीफा थे जिसके बाद से खलीफा की पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया, वो कौन थे, अब्दुल खालिद। तो यहां तक आपको समझ में आया, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो इस तरीके से इस्लाम का उदय हुआ। ठीक, अब हम कल की क्लास में देखेंगे अरब इन्वेजन। ठीक, नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे, अब हम देखेंगे कि अरबीज ने किस तरीके से भारत पर आक्रमण किया। क्लियर, तो अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।